नमस्कार, आप देख रहे हैं livecities.in। सबसे बड़ी चीज है कि मैंने पहले भी कहा कि बीजेपी और आरएसएस के लोग कानून से खिलवाड़ कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी आरएसएस और बीजेपी के गोद में जाकर खेल रहे हैं। और अरिजीत जो है, जो अश्विनी कुमार चौबे जी का लड़का है, एक संप्रदाय के खिलाफ में विष भमन करने का काम किया गया है, उसके खिलाफ में नाराबाजी करने का काम किया है। कानून अपना काम नहीं कर रही है और केवल केवल सिर्फ और सिर्फ वो वारंट निकालकर जनता के सामने आईवास कर रही है और वो खुल्लेआम रोज बयान दे रहे हैं, आपके सामने भी आ रहे हैं, पुलिस प्रशासन के सामने भी खुल्लेआम बोल रहे हैं। चूंकि वो केंद्रीय मंत्री के बेटा हैं और नीतीश कुमार उनकी मदद में लगे हैं, चूंकि हमने पहले भी कहा था कि नीतीश कुमार के इशारे पर एक संप्रदाय के लोग को तंग तबाह करने की साजिश रची जा रही है, उसके ये मददगार हैं। अगर कानून का राज स्थापित करना चाहते हैं तो जो अपराधी तप्त के लोग हैं, जिन पर आरोप लगे हैं, जांच करके निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और वारंट जिसके खिलाफ में निकला है उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो नामजद अभियुक्त हैं वो केवल विरोधी, जो उनके विरोध करने वाले लोग हैं, उनको किसी न किसी केस में फंसाकर उनको अरेस्ट किया जा रहा है। अब पुलिस में ऐसे प्रशासन को लगाया गया है जो बार बार केवल पटना में ही रहते हैं और एक राज्यसभा मेंबर के को पैसा देने का काम करते हैं, और जिला इस राज्य में, जिस राज्य में जिला बिकता हो उस राज्य में कानून कहां से चलेगा काम। और जनता तबाह है, हर इंसान तबाह है, इसलिए इस मुख्यमंत्री को एक मिनट भी अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है। नहीं, सरकार का रुख तो स्पष्ट ही है, कानून अपना काम कर रहा है, ये कानून की राज है। और इसीलिए हमारे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेता हैं अरिजीत, केंद्रीय मंत्री के पुत्र हैं, इसके बावजूद उन पर वारंट निकला है, इस बात का तो प्रमाण है इसमें कि हमारी सरकार किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं करती है और इसमें ये तो स्पष्ट ही है। अच्छा, ये जो मामला है आरा में दो पत्रकार की हत्या का, कितना गंभीर मामला है? नहीं, किसी भी हत्या, कहीं भी हत्या हो, जब पत्रकार की हो तो स्वाभाविक रूप से अत्यंत गंभीर हो जाता है। सरकार कानून के राज में विश्वास करती है और कोई भी हत्या, कहीं भी कानून की बात हो तो सरकार इस पर त्वरित कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई करे। ये नहीं लगता कि बीजेपी के जो अब नेता है वो ये सोचने लगे विनोद जी कि अब हमारी सरकारें को क्या कर लेगा, अरिजीत पे वारंट है, कल वो पटना में रामनवमी का जुलूस निकालते हैं, गिरफ्तारी नहीं होती है? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। और किन कौन सी परिस्थिति वहाँ हुई है ये पता करना पड़ेगा, लेकिन निश्चित रूप से यदि सरकार उनको मदद करती तो उनको वारंट ही नहीं निकलता। वारंट निकलना इस बात का प्रमाण है कि कानून में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है।